होरी की चारित्रिक विशेषताओं का विवेचन कीजिए। होरी की चारित्रिक विशेषता। होरी मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरुष पात्र है। प्रेमचंद जी ने इसे साधारण किसान को अपनी प्रतिभा से ऐसा जीवंत पात्र बना दिया है कि वह पाठक की स्मृति पटल पर सदैव के लिए अंकित हो जाता है। होरी एक सामान्य किसान है। वह अवध प्रांत के बेलारी गांव का निवासी है। गहरे सांवले रंग का, पिचके गालों और झुर्रियों से भरे चेहरे वाला यह पात्र भारतीय किसान का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। वह एक निर्धन तथा परिश्रमी किसान है। संपत्ति के नाम पर उसके पास केवल 5 बीघा जमीन है। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। परंपरावादी। होरी परंपरागत जीवन मूल्यों के प्रति आस्था रखता है। वह मानता है कि ईश्वर ही संसार में लोगों को छोटा बड़ा, गरीब अमीर बनाकर बेचता है। धनी व्यक्ति द्वारा विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करना तथा निर्धन द्वारा पेट भर भोजन प्राप्त न कर सकना उसके पिछले जन्मों का कर्म होता है, उसका परिणाम होता है। अपनी इसी मान्यता के कारण वह जीवन भर कष्ट सहता है, परंतु विद्रोह नहीं करता। वह सामाजिक व्यवस्था तथा मर्यादा का सम्मान करता है। गोबर झुनिया नामक विधवा से विवाह कर उसे घर लाता है, परंतु होरी पंचों का निर्णय स्वीकार करता है। इस प्रकार वह आर्थिक रूप से निरंतर शक्तिहीन होता जाता है। घर की मर्यादा की रक्षा के लिए वह घर की तलाशी नहीं होने देता। होरी बिरादरी के आदेश को सर्वोपरि मानता है। बिरादरी जब उस पर जुर्माना करती है तो धनिया उसका विरोध करती है। होरी धनिया से कहता है, धनिया तेरे पैर पड़ता हूँ, चुप रह, हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। वह जो दंड लगाती है उसे सिर झुकाकर मंजूर कर। नक्कू बनकर जीने से तो गले में फांसी लगा लेना अच्छा है। आज मर जाए तो बिरादरी ही तो इस मिट्टी को पार लगाएगी, बिरादरी ही तारेगी तो तरेंगे। धर्म भीरू। होरी धर्म की रूढ़ियों का पालन करना आवश्यक मानता है। वह सत्यनारायण की कथा करवाता है, आरती की थाली में पैसे चढ़ाता है, तीर्थ यात्रा के बाद गांव में चने चबेना बटाता है। दाता दिन ब्राह्मण है तथा होरी दाता दिन को सम्मान की दृष्टि से देखता है। धूर्त दाता दिन होरी को ऋण देता है तथा मूल से 3 गुना अधिक धन वसूल करता है। होरी का विश्वास है कि ब्राह्मण से ली गई एक पाई भी न चुकाई गई तो कोढ़ हो जाएगा तथा ईश्वर का क्रोध सहना पड़ेगा। धर्म के नाम पर उसे अन्याय और अत्याचार का शिकार होना पड़ता है। सामाजिक प्रतिष्ठा का आकांक्षी। होरी के मन में यह भावना रहती है कि वह गांव के लोगों से आदर और सम्मान प्राप्त करे। वे उसे महतो कहकर पुकारें। गांव से सम्मान प्राप्ति के लिए वह एक गाय खरीद कर लाता है। स्वयं कहता है कि द्वार पर कबरी गाय बंधी देखकर लोग पूछेंगी यह किसका घर है, तो लोग बताया करेंगे होरी महतो का घर है। वह धनिया से आग्रह करता है कि गाय को घर के द्वार पर ही बांधा जाए। जिस दिन उसके घर में गाय आती है वह अत्यंत प्रसन्न होता है तथा ईश्वर का धन्यवाद करता है। गांव वालों की दृष्टि में सम्मान पाने के लिए वह बांसों की बिक्री द्वारा प्राप्त 5 रुपए राय साहब द्वारा सुनियोजित की जाने वाले धनुष लीला के लिए सगुन के रूप में दे डालता है। वह राय साहब की खुशामद भी करता है, जिससे गांव वाले समझे कि जमींदार उसे अपना आदमी मानते हैं। मानवीय दुर्बलता से युक्त। होरी एक साधारण व्यक्ति है जो अवसर पड़ने पर झूठ भी बोलता है। वह स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भाइयों से बेईमानी भी करता है। वह राय साहब की चापलूसी करता है, उससे वे उसे बेगार न ले तथा बेदखली न करें। वह भोला का को उसका विवाह कराने के प्रयास में लगे रहने की बात करता है और गाय लेना चाहता है तथा उसे गाय मिल जाती है। वह अपने भाइयों से भी प्रेम करता है। गाय की हत्या के प्रसंग में भाई को बचाने के लिए वह झूठी कसम खाता है। वह अपने भाइयों से अलग होने पर भी उनका हित चाहता है। सद्गृहस्थी।
होरी अपनी पत्नी तथा बच्चों से सहृदयतापूर्ण व्यवहार करता है। वह धनिया से बहुत प्रेम करता है। वह एक वात्सल्यपूर्ण पिता तथा ममता भरा भाई भी है। परिवार का मुखिया होने के नाते वह चाहता है कि उसके परिवार के सभी सदस्य सुखी और प्रसन्न रहें। उसे बेटियों के विवाह की चिंता रहती है। वह गोबर के प्रति भी ममता रखता है। अक्खर गोबर यदि उसका विरोध करता है तो करता है, परंतु वह उसे सदैव सुखी देखना चाहता है। वह गोबर से कहता है, नहीं बेटा, तुम काहे को तकलीफ उठाओगे? तुम्ही को कौन बहुत मिलेंगे? मैं सब देख लूंगा। जमाना इसी तरह थोड़े ही रहेगा। अब कर्ज चुकाना ही तो है। तुम कोई चिंता मत करो, खाने पीने का संयम रखना। अभी अभी देह बना लो तो सदा आराम से रहोगे। होरी के भाई उससे द्वेष रखते हैं। हीरा विष खिलाकर उसकी गाय को मार डालता है। फिर भी वह हीरा और उसकी पत्नी की सहायता करता है। हीरा जब गांव लौटता है तो वह उसे गले लगा लेता है। अपनी पुत्रवधु झुनिया से वह प्रारंभ में कठोर व्यवहार करता है, परंतु जब वह क्षमा मांग लेती है तो दयाद्र होकर उसे कहता है, डर मत बेटी, डर मत, तेरा घर है, तेरा द्वार है, तेरे हम हैं, आराम से रह। जैसी तू भोला की बेटी है, वैसे ही मेरी बेटी है। जब तक हम जीते रहेंगे, किसी बात की चिंता मत कर। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंख से न देखे सकेगा। वह अपनी पत्नी धनिया की कभी कभी पिटाई भी कर देता है, परंतु उसके मन में उसके लिए निरंतर प्रेम उमड़ता रहता है। अंत में कहा जा सकता है कि परिश्रमी तथा सरल होरी पाठकों की सहानुभूति अर्जित करने में सफल रहता है। लेखक को उसके चित्रांकन में विशेष सफलता मिलती है।